भारत की नई जवानी ने इतिहास नया लिख डाला है, भूमि का भाग मेरगों की दिग्विजयों का कहीं हवाला है, और पढ़ लो तरुणाई ने जो गर्म खून से लिखी है, ये शौर्य सूर्य की गाथा है, हर अंधकार थर्राता है। जी हाँ, गणतंत्र दिवस जो अधिकार देता है हमें इस देश में समानता के साथ रहने का, गणतंत्र दिवस जो हमें बनाता है एक भारतीय, गणतंत्र दिवस जो हमें अधिकार देता है अपने सर को हमेशा ऊपर उठाकर भारत के नाम करने का, गणतंत्र दिवस जो हम सभी को एक साथ एक समान एक देश में एक नागरिक बनाकर रखने की प्रेरणा देता है। जब देश में समान अधिकारों की बात होती है, जब देश में बात होती है महिलाओं की, जब बात होती है बच्चों की शिक्षा की, जब बात होती है उन तमाम सारे बुजुर्गों की, तब हमें गणतंत्र हमेशा देश के संविधान के साथ इन सभी के साथ न्याय करने की प्रेरणा देता है। आइए इस गणतंत्र दिवस हम भी शपथ लें कि हम भारतीय होने का सच्चा दायित्व निभाएंगे। हम इस देश में रहते हुए उन तमाम सारे अधिकारों का देश हित में उपयोग करेंगे। हम सभी अपने देशवासियों के लिए और देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे शहरवासियों के लिए और सभी के लिए यही शुभकामना है कि हमारा गणतंत्र सुदृढ़ रहे, सफल रहे और हमेशा सभी के लिए कल्याणकारी रहे। उसके लिए लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और व्यवस्था के जो संचालक हैं उनके साथ मिलके कार्य करें तो ये शहर भी, ये देश भी और भी महान होगा। अभी महान तो बहुत है बट हमारा और भी महानता की सीढ़ी हम चढ़ पाएंगे। तो लोगों को विश्वास होना चाहिए व्यवस्था में और सहयोग करना चाहिए व्यवस्था के लिए। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में इंदौर के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जैसा मैंने पहले कहा है कि एक अच्छा शहर अच्छे लोगों से बनता है और इंदौर के लोगों ने अब हमारी जिम्मेदारी चुनौती बढ़ा दी है। अब हम नंबर वन हैं और सब लोगों की ये संयुक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमेशा नंबर वन रहें। इसी आशा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।